ये फटाफट बन के तैयार होता है। 5 मिनट की रेसिपी है, 5 मिनट में बना के आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, शाम के टाइम खाना चाहे तो शाम के टाइम खा सकते हैं, मॉर्निंग में भी खा सकते हैं हम ब्रेकफास्ट की तरह। सिंपल सी साड़ी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए व्लॉग में। आज हम सारा काम खत्म कर लिए हैं, खाना बन चुका है, झाड़ू पोछा हो गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब आज कुछ खाने का मन कर रहा है तो चलते हैं कुछ नाश्ते में खाने के लिए बना लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है, गेहूं का चीला बनाएंगे। गेहूं का आटा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, सभी चीज़ों को डाल के इसका हम घोल तैयार करेंगे। घोल बन गया है, अच्छे से इसे फैला देंगे। देखिए गोल्डन सा कलर आ गया, दूसरी तरफ भी इसी तरह से पलट देंगे, बाकी के भी इसी तरह से हम बना लेंगे। ये काफी हेल्दी होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए बन चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ले आते हैं उनसे पानी। काफी टेस्टी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। केवल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, ज्यादा ऑयल भी नहीं लगता है इसमें, फटाफट बनके तैयार हो जाता है। हम बाकी का काम कर लेते हैं। एक साड़ी है, ये हमारी शादी में मिली मशीन, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम सिलाई नहीं करते हैं, इसे मत देते हैं साइड में। निकाल लेते हैं मैचिंग का, ये फाल इसको हमने धुल ली थी, इसे इस तरह से मोड़ देंगे। काफी गर्मी है आज, इसलिए पसीना बहुत निकल रहा है, इस तरह से किनारा मोड़ देंगे। ये साड़ी हमको हमारी मम्मी ने दी थी, काफी दिन से रखी हुई थी, आज हमने सोचा इसे निकाल के। इसका ब्लाउज है, ब्लाउज हमने अलग कर दिया था। सिंपल सी साड़ी है, इसे हम मोड़ लेंगे ऐसे ही, आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं, हम ऐसे ही मोड़ लेंगे इसे। सबसे पहले धागा निकालेंगे, बाबिन निकाल लेंगे। ये देखिए मैचिंग का धागा लगा हुआ है, तो हमें बाबिन में धागा भरने की जरूरत नहीं है। अब हम इस तरह से मोड़ेंगे इसे और दूसरी तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से पूरा किनारा हो गया है। अब हम फाल लगाएंगे, फाल को हम ले लेंगे, इसे एक बीता छोड़ देंगे हम साड़ी से। इसके बाद इस तरह से मोड़ के
ये वाला जो पार्ट है इसे हम अंदर कर देंगे इस तरह से दबा के हल्का सा, इस तरह से इसे हम रखेंगे इस तरह से। बिल्कुल आसानी से इस तरह से लग जाती है। नीचे हमें इसी तरह से लगाना है और ये साड़ी जो है नीचे से निकलती कभी भी नहीं है, क्योंकि बिछिया वगैरह पहनते हैं पैर में तो चलने से फंस के धागा कभी कभी निकल जाता है। इस तरह लगाने से कभी भी साड़ी का धागा निकलेगा नहीं। इस तरह से फाल लग, ये देखिए एक तरफ का ही फाल लग चुकी है इस तरह से। ये देखिए मशीन पे चलाने से ये निकलेगी भी नहीं ये देखिए कभी भी। और ये इस पर भी चला दिया है हमने ये देखिए इस तरह से। अब मशीन का काम हो गया ख़त्म। अब हम सुई धागा सेव करेंगे। ये बिल्कुल छोटी सी सुई आती है पीको करने वाली, ये देखिए इस तरह से। इसमें हम धागा डालेंगे। धागे को हम डबल करके लगाते हैं, बहुत से लोग सिंगल करके ही लगा लेते हैं। सिंगल धागा लगाने से फाल जल्दी निकल जाती है, डबल धागे से फाल देर में निकलती है, निकलती ही नहीं है बिल्कुल। ये देखिए ये एक हमने बैठने वाला ले लिया है, इसको इस तरह से साड़ी इस तरह से हम रख लेंगे साड़ी को सेट करके। अब ये इसका ये वाला पार्ट हम इस तरह से सिलेंगे और बिल्कुल इस तरह से हम इसको करेंगे पीको, मतलब फाल लगाते हैं इस तरह से, पीको नहीं, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर का पार्ट और थोड़ा साड़ी का पार्ट दोनों लेके इस तरह से हम इसी तरह से हम लगाते चले जाएंगे। जो लास्ट का ये थोड़ा सा बचता है बिल्कुल थोड़ा सा ये वाला पार्ट, इसे हम इस तरह से दो से तीन बार कर देंगे। आपको हम दिखाते हैं कितनी आसानी से लग गया है। ये देखिए साड़ी फाल साड़ी में आसानी से लग गई है। साइड का भी हम दिखा देते हैं आपको, कितने छोटे छोटे से धागे हैं इसमें, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे साइड से भी। अगर ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।